परी से मेरी शादी होगी, मजा आ जाएगा। सभी को अभी बता दूं? नहीं 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 नहीं, पक्का बात पक्की हो जाए, बाद में सबको डिटेल में बताऊंगा। ओहो पोपटलाल, क्या बात क्या भाई, बहुत मलक मलक हो रहे हो आज। अरे भाई पोपट भाई, हमें भी वजह बताओ। हाँ पोपटलाल बताओ बताओ, हमें भी मलक मलक होना है। अरे भाई चलती गाड़ी पे क्यों चल रहा है, तुझे पता है मलक मलक होने का मतलब क्या है? नहीं लेकिन अच्छा ही होगा ना। मलक मलक होना मतलब मन ही मन दुल्हन बनना। कहते अरे आत्मारम, तुमको क्यों मन ही मन में दुल्हन बनना है बोलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं होना है मलक मलक। क्या बेड़े यार, तुम भी क्यों टेंशन ले रहे हो, जेठालाल मजाक कर रहा है भाई। गुजराती में मलक मलक होने का मतलब होता है मन ही मन खुश होके मुस्कुराना। जेठालाल तुम नहीं सुधरोगे। अरे गम्मत के लिए बाढ़ बाढ़। लेकिन पोपटलाल अब तो बताओ तुम मलक मलक क्यों हो रहे हो? हाँ भाई बताओ भाई। है खुशखबरी। मतलब किसी लड़की की बात है? अभी 50% है, 100% होने पर डिटेल में बताऊंगा। ओहो अच्छा अच्छा, आपकी तरफ से 50% बात पक्की है, 50% लड़की की तरफ से बाकी है। हमेशा की तरह जेठालाल, मतलब हमेशा की तरह ना हो तो अच्छा है। क्या बोल रहे हो जेठालाल, हमेशा की तरह ना हो तो अच्छा है, मतलब हमेशा की तरह ना हो जाए जेठालाल। अरे भाई तू कहाँ कांडी लगा रहे है? मेरे कहने का मतलब ये था कि हमेशा की तरह ना ना हो जाए तो अच्छा है, हाँ हो जाए ऐसा। जेठा भाई वैसे तो हम सब चाहते हैं कि पोपट भाई की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन हर लड़की इन्हें जाली नोट समझ के रिजेक्ट कर देती है। जाली नोट? और बेचारे इस दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल की खुद की दुनिया हिल जाती है। सही बात है। नहीं 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 दोस्तों, इस बार पोपटलाल की दुनिया पक्का बस जाएगी। भाई बस जाए तो अच्छा है, ताकि हर हफ्ते बाल काले करने का खर्चा तो बच जाए। अरे नहीं 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 जेठालाल, ये मेरे ओरिजिनल काले बाल है भाई, क्या बोल रहे हो तुम। ये कौन आया भाई हमारी सोसाइटी में अभी? अरे ये वही है 50% लड़की। 50%? अरे अय्यर भाई, ये वही लड़की है जो मुझे आज गार्डन में मिली थी। पहले हमारी नजरें मिली, फिर दिल मिले, और अब मुझे मिलने सोसाइटी तक आ गई है। लगता है बात पक्की करने आई है। ओहो आज तो इतिहास रचने वाला है मतलब गोकुलधाम में। अरे भाई हमको भी इतिहास का हिस्सा बनना है। अरे बसुन का ओनर चला 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 अब्दुल, ये यहाँ पे रखा। अरे साहब दुकान देखना। आई 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 आने आने आइए आइए सर, आइए आइए, वेलकम वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। आइए 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 आइए, प्लीज कम प्लीज कम, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए 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 आइए। हेलो हेलो हेलो, कितना क्यूट डॉगी छे। ये तो वही डॉगी है ना जो गार्डन में थी। हाँ आइए आइए आइए, हेलो, स्वागत है आप लोगों का। नमस्ते नमस्ते। मम्मा शेरू, ये कौन है? ये लोग आई, ये लोग हमें गार्डन में मिले थे, वहाँ शेरू और ये डॉगी खेल रहे थे। ओ अच्छा, that's sweet. बहुत अच्छा है। आप लोग अचानक यहाँ पर, चलिए ना घर चलकर बात करते हैं, आइए घर पर। अरे नहीं नहीं कोई नहीं, बस सब गोकुलधाम परिवार के साथ ही बात करते हैं ना। वो भी ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार ही है। क्या बात करनी है? क्या पता दया भाभी, इस लड़की का नाम परी है, ये मुझे गार्डन में मिली थी, मुझे बहुत पसंद करती है। ये लड़की पोपट भाई को पसंद करती है। हाँ?
नहीं नहीं बैठना नहीं है, दरअसल हमारी बेटी ने कहा कि हम अभी चल के आपसे बात करें। और इसलिए हम परी का रिश्ता लेकर आए हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज बिकला तो गंगेत घोड़न आल घोड़न है रे पोपट पोपट। बहुत अच्छी बात है। अरे ये बात सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए थे। अरे अरे शेरू, अरे शेरू, वाह क्या जोड़ी है। हाँ। करा। रब ने बनाई जोड़ी। हाँ, आप लोगों ने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। चेचे बोझ तो हमारा हल्का हुआ है। हाँ, हाँ। दरअसल हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम परी का रिश्ता लेकर आपके पास आएंगे तो कहीं आप लोग हमें पागल ना समझें। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आप लोग रिश्ता लेके नहीं आते तो पोपटलाल पागल हो जाता। अरे मैं तो खुशी से पागल हो गया हूँ जब से दिल मिले हैं। क्यों? दिल तो पहली नजर में ही मिल गए थे। ओहो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया, लड़की माँ बाप के सामने ही बोल रही है पहली नजर में दिल मिल गया। बोलो, और अब दिल मिल गए हैं तो फिर शादी की तारीख जल्दी तय कर देते हैं। हाँ बराबर। हाँ जल्दी जल्दी। पोपट भाई बहुत उतावले हो रहे हो। अरे भाई उतावले तो होंगे ही ना, उनको चिंता है भाई, अब भी रिश्ता नहीं हुआ तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। करेक्ट। भाई जिनको जो कहना हो कहे, हमको दुनिया की कोई फिक्र नहीं। क्या बात है, वाह। फिक्र की क्या बात है, वैसे आपकी परी राजकुमारी बनकर रहेगी कुकुलधाम में? नहीं, अरे माधवी भाभी राजकुमारी नहीं, रानी की तरह रखूंगा परी को। ये बगो बोल ले राजकुमार। राजा राजा। हाँ राजा राजा। लगता है आपको परी बहुत पसंद आ गई। अरे इतनी पसंद कि अगर आज शादी हो रही हो तो मैं कल की रानी देखूंगा। पोपटलाल कंट्रोल भाई, क्या है शादी में मुहूर्त वुहूर्त भी देखना पड़ता है। अगर आप सबको परी के बारे में कुछ सवाल पूछना हो, कुछ जानना हो तो। अरे मुझे कुछ नहीं पूछना भाई, आप मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। पोपटलाल ज्यादा उछलो मत भाई, भावरे मत बनो, आराम से। अरे आप लोग यहाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। बापू जी आप इनको जानते हैं? हाँ बहू, आज हम लोग शेरू को गार्डन में घुमाने ले गए थे, वहाँ पर ये लोग मिले थे। लेकिन आप सब लोग यहाँ इस वक्त? बापूजी खुशखबरी है, खुशखबरी। अच्छा बापूजी, परी और पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया है। क्या हुआ चाचा जी को? चाचा जी क्या हुआ? टेंशन मत लो, वो क्या है पोपटलाल की शादी तय हो गई है, वो सदमा बापूजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बर्दाश्त कर लीजिए बापूजी, चमत्कार हो गया है। जेठालाल ये खुशी का सदमा है या सदमे की खुशी है? ये चमत्कार वाली, अरे पोपट और परी की शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती चाचा जी, मैं परी को जन्मो जन्म के साथ ही बनाऊंगा। पोपटिया तू शादी शादी करके पागल हो गया है, और साथ में ये सब लोग भी पागल हो गए। अरे लेकिन बापूजी पोपटलाल परी से शादी करे उसमें पागलपन कैसा? अरे पोपट इंसान है और परी जानवर है। हाँ हाँ, ये जानवर है? मींस जानवर? समझ गया चाचा जी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। आपके कहने का मतलब है कि परी मेरी जान है और मैं उसका वर हूँ।
हम दोनों मिलकर परिवार बनाएंगे, मेरा मतलब है परिवार बनाएंगे। ओहो क्या बात है, आज तो शायर भी हो गए पोपटलाल है। सुंदर सुशील पत्नी बने, ऐसी सद्गुण संपन्न है ये। डिब्बे परी इस कुत्ती का नाम है। ओगो भाई, व्हाट क्या उकड़ा जी, करीब कुत्ती का नाम है परी, कुत्ती का नाम है। अच्छा हुआ बच गए तुम भाई, पहले ही पता चला, वरना शादी के बाद पता चलता तो। बेटे ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। सॉरी 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 पोपटलाल सॉरी। एक मिनट, मतलब आप लोग ये परी का रिश्ता शेरू के लिए लेकर आए हो? और नहीं तो क्या। कुत्ते तक के लिए रिश्ते आ रहे, बस एक मेरे लिए नहीं आ रहा। कुत्ता कुत्ती का शादी, लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सही बात है। मम्मी मजा आएगा, ये दोनों की शादी में मैं भांगड़ा करूंगा। गोगी यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली। गोगी हाथ नीचे कर, मुंह बंद कर। पोपटलाल नहीं मेहता साहब, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप सबको मेरी कसम है, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक गोकुलधाम में किसी का शादी नहीं होने दूंगा। फिर चाहे वो शेर हो क्यों ना। अच्छा हुआ मैं गोकुलधाम के बाहर रहता हूँ। पोपट भाई क्या बोल रहे हैं? पोपट भाऊजी, मैंने कहा था पोपट लाल को ज्यादा उछलो मत, देख लो बावरा हो गया ना। चलो बेटी चलो। कम परी कम। रुकिए, एक शर्त पर शेरू और परी की शादी हो सकती है, अगर आप अपनी बेटी प्रिया की शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो तो। चल बेटे जल्दी गाड़ी में बैठ। चल कमाल के लोग हैं, कुत्तों की शादी कराने के लिए चले थे। कब्रा इस संसार में भांति भांति के लोग, अब्दुल इस दुनिया में न जाने कितनी तरह के लोग हैं भाई, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आते हैं, हर आदमी कल्पना करता है, सतरंगी विचार आते हैं, लेकिन कुछ लोग तो विचारों को सिर्फ विचार समझ के शांत हो जाते हैं। कई लोग होते हैं इतने भावुक होते हैं कि प्रैक्टिकलिटी नहीं देखते, वो सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो कर सकता हूँ, तो कुत्ते कुत्ती की शादी के लिए निकल पड़े। मेहता साहब पोपट भाई का हाल तो देखो। पोपटलाल निराश नहीं होते, पोपटलाल निराश होने की कोई जरूरत नहीं है भैया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अरे जब शीरू का रिश्ता आ सकता है तो तुम्हारा भी रिश्ता आएगा और तुम्हारी भी शादी होगी। कब? इसी जन्म में। हाँ पोपट भाई। चलो भाई चलो, सब लोग अपने अपने घर जाकर सो जाओ। चलो ओके, ओके। चलो गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट शेरू, गजब हो गया। ओके बबीता जी गुड नाइट। हां नसीब नसीब की बात है भाई, हो जाएगा निकला गया। पोपट भाई अब धोखे मत होइए,
आपकी शादी होगी, जरूर होगी। अरे सेरों के लिए रिश्ता आ सकता है तो आपके लिए तो जरूर आएगा। हाँ हाँ पोपट भौजी, ऑफ कोर्स तदन सच्ची बात है। आएगा आएगा, मैं तो कहती हूँ 101% आएगा। कामयाबी उसे ही मिलती है जो कामयाबी पाने के लिए उत्साहित होते हैं। करेक्ट। सच कहा दया भाभी, अगर शेरू के लिए रिश्ता आ सकता है तो मेरे लिए आएगा ही। शाबाश। मैं शादी की आस कभी नहीं छोड़ूंगा, अब से दुखी होना कैंसल। ये शाबाश पोपट भौजी। चलो अब घर जाते हैं। हाँ हम लोग तो अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ये बेचारा शेरू की डर जाएगा, उसका तो कोई घर नहीं है। अरे हाँ हाँ, इसके लिए भी घर होना चाहिए। नहीं, शेरू तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य है और हमारा रक्षक भी। यार राइट, हमें एक्चुअली शेरू के लिए घर बनाना चाहिए। किसी के ध्यान में है कोई डॉग हाउस बनाने वाला? मेरा एक दोस्त है कारपेंटर। नहीं नहीं पोपट भाई, कारपेंट करने वाला नहीं चाहिए, सुथार सुथार चाहिए। वो लकड़ी का काम करते है ना। देविन, सुथार को ही कारपेंटर बोलते हैं। ओ सॉरी, मैं सॉरी। अब पोपट भाई आप उसे कल ही बुला लीजिए। ओके, कल सुबह लेकर आऊंगा। थैंक यू पोपट भाई। और हाँ भीड़ बहन, अब भीड़ भाई को पूछ लेना कि हम सोसाइटी में शेरू का घर रख सकते हैं ना। हाँ हाँ पूछ लूंगी जरूर। थैंक यू। चलो गुड नाइट पोपट भाई। शाबाश शेरू भाई। दोस्तों दुनिया में दो तरह के फूल होते हैं, एक वो फूल जो बगीचे में खिलते हैं और लोगों को खुशबू बांटते हैं, और एक वो फूल जो अप्रैल में बनते हैं और लोगों को हंसी बांटते हैं। भाई एक कहावत आपने सुनी होगी, गरीबी में आटा गिला। अब हमारे पोपटलाल, एक तो वैसे ही शादी नहीं हो रही है, ऊपर से एक रिश्ता आया वो भी शेरू के लिए। भाई भगवान भी कभी कभी मजाक के मूड में होता है और लोगों को फूल बना ही देता है। लेकिन अप्रैल फूल के दिन एक चीज आप जरूर याद रखें कि आपकी मजाक किसी के लिए मुसीबत ना बन जाए, लेकिन आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शेरू अभी और भी हंगामे करेगा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.